प्रभु ने बहुत बड़ा मौका दिया। परमेश्वर के इन सब मौका के लिए हम धन्यवाद हैं। महान कृपा और महान प्रेम से हमको चला रहे। ओ ग्लोरी टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। भाई हम लोग गाना गाएंगे। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has done. I will rejoice for he hath made me great. Oh, he hath made me glad. He hath made me glad. I will rejoice for he hath made me glad. He hath made me glad. He hath made me glad. I will rejoice for he hath made me glad. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord hath done. I will rejoice for he hath made me glad. He hath made me glad. He hath made me glad. I will rejoice for he hath made me glad. He hath made me glad. He hath made me glad. I will rejoice for he hath made me glad. Oh, he hath made me glad. He hath made me glad. I will rejoice for he hath made me glad. He hath made me glad. He hath made me glad. I will rejoice for he hath made me glad. I will enter his courts with thanksgiving in my heart. I will enter his gates with praise. I will say this is the day that the Lord hath made. I will rejoice for he hath made me glad. Oh yes. Oh, he hath made me glad. He hath made me glad. I will rejoice for he hath made me glad. He hath made me glad. He hath made me glad. I will rejoice for he hath made me glad. Parama Pavitra Parameshwar, आपने हमको ये खुशी को दे दिया। ही हैज मेड मी ग्लैड। ये खुशी दुनिया का नहीं है प्रभु। दुनिया का सारी बातों से हमको दूर रखा है प्रभु। सब अविश्वास से हमको दूर रखते हुए आपका कृपा और दया का द्वारा हमको आप चला रहे परमेश्वर। इस समय पर मैंने आपको धन्यवाद इसी बात के लिए करना चाहता हूँ। आठवां दिन में हम लोग अभी मीटिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं प्रभु। कोई भी विपत्ति और कोई भी घटना नहीं है। आपका लोगों को आपने अलौकिक रूप से चला गया। ऐसी बीमारी के बारे में लोग डरने का एक सब जगह पर कर रहे हैं। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारा दवाई के बारे में, बहुत सारे चीजों से लोग बिजी है प्रभु। मगर आपका बच्चनों को आपने वचन को देते हुए और उपस्थिति को देखे हुए देते हुए ऐसी सभा को करने के लिए आपने मौका दिया प्रभु। आपको धन्यवाद करना चाहते हैं वो परमेश्वर। ऐसी समय पर मैंने सारे आपका विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी विश्वासी भाई बहन को आप आशीष करना। जो लोगों ने ऑनलाइन में बुकअप किया, बैंगलोर का भाई जोशुआ और उनका कलिशा को आपका हाथ में सौंप देते हैं। जोशुआ और कलिशा परमेश्वर इस समाचार को स्वीकार किया और अपने लिए दरवाजा को खोला करो। ओ परमेश्वर आपको धन्यवाद। और भी हावेरी में और अलग अलग कर्नाटक के अलग अलग जगह पर आपका लोग परमेश्वर ऑनलाइन बुकअप किया, सभी को आप आशीष करना वो परमेश्वर। और हमारा बहुमूल्य भाई लोग छत्तीसगढ़ और सब जगह पर है प्रभु, उनको भी आप आशीष करना परमेश्वर। इस अंतिम दिन में आपका ये सुसमाचार के लिए हमको बना दिया और छोटा जून धर्म हमें तुम्हारा साथ में करके बोला धन्यवाद। ये धन्यवाद के साथ छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से सुनो कबूल कर। हम लोग जैसा खड़ा है बोलेंगे, हम लोग प्रभु का वचन में जाएंगे। उत्पत्ति को लेंगे हम लोग। उत्पत्ति अभी उत्पत्ति में 22वां अध्याय, उत्पत्ति में 22वां अध्याय और 14 वचन को देखेंगे।
And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mouth of Lord it shall be seen. प्रभु इस वचन को आशीष करें, आप लोग बैठ सकते हैं। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें। हम इस समय पर प्रभु का उपस्थिति में हम आ गया। हम जानते हैं प्रभु का उपस्थिति कितना पावरफुल है। हमारा इतना सारा दिन में प्रभु ने हमको ये मौका दिया, परमेश्वर ने हमको ये समय दिया और मौका दिया। और बहुत सारे लोग बुकअप में है। हम भाई जोशुआ के लिए बहुत थैंक यू बोल रहे हैं। भाई जोशुआ प्रेज द लॉर्ड। और बैंगलोर में भाई जोशुआ, वो सचमुच में ये रेवलेशन को उन्होंने समझ लिया और वो हमारा कॉन्टेक्ट में आएगा। हमको थोड़ा समय के अंदर बैंगलोर में परमेश्वर ने एक दरवाजा को खोलेगा और कर्नाटक का और भी जगह पर हावेरी वहां पर भी एक भाई इस समाचार को सुन रहे। ऑल राइट, ये सब हमारे लिए अच्छा रिजल्ट है। प्रभु ने ये सेवकाई को कभी भी रिप्रोच कर जैसा नहीं करता है। वी आर नॉट ए रिप्रोच, हम लोग किसी को भी रिप्रोच नहीं है। मेरे कुछ भी ताकत साधन का झुंड आते हुए हमारे ऊपर हमला करने दो, मगर परमेश्वर अपना पवित्रात्मा के द्वारा, अपना दूत लोगों के द्वारा हमको चला लें। ऑल राइट, मैंने आज एक सब्जेक्ट को निकाला, वो जो है कॉवेनेंट ब्राइड। कॉवेनेंट ब्राइड, मैंने इन सब्जेक्ट को मैंने बहुत सारे भाई ब्रैनम का मैसेज और भाई रामट का कोटेशन के द्वारा प्रूव करना चाहते हैं। मेरा प्यारा भाई बहनों, सेल्वेशन जो है, कॉवेनेंट जो है, हमको सेल्वेशन देते, बिना कॉवेनेंट से, बिना वाचा से हमको रक्षण नहीं मिलता है। वैसे नबी लोग कितना भी आने दो, मगर कॉवेनेंट वाचा बांधने के लिए प्रभु खुद आना चाहिए। वैस वाचा नबी लोग नहीं बांधते हैं। ब्रदर ब्रैनम वाचा बांधने के लिए नहीं आया। ब्रदर ब्रैनम क्या बोला अपना मैसेज में? वैस वो मैसेज का नाम है सिद्ध मनुष्य का डील दो, स्टैचर ऑफ द परफेक्ट मैन, सिद्ध मनुष्य का डील दो। वो मैसेज में भाई ब्रैनम सीधा बोलता है, मेरा मिशन जो है, मेरा जो काम जो है पृथ्वी में, हर एक व्यक्ति को सामर्थ्यमान घर बनाने के, क्योंकि भाई ब्रैनम इसीलिए आए। मगर मेरा प्यारा भाई बहन, वाचा बांधना बोलेगा तो वो नबी लोगों का काम, वाचा बांधने के लिए परमेश्वर खुद स्वर्ग से उतर के आता है, क्योंकि वाचा बांधना एक बहुत बड़ा चीज है। प्रभु मनुष्य के साथ वो वाचा बांधते हैं। वो वाचा का मतलब क्या है ब्रदर वाटसन? वो वाचा का मतलब है प्रभु और आप एक होना। वैस परमेश्वर और आप एक होना। वैस मेरा प्यारा भाई बहन, सारी गॉस्पेल, सब नबी लोगों का मैसेज इस बातों को कभी भी सेंटर पॉइंट बनाता है। वो बात जो है परमेश्वर और हम एक होने का, ये प्रभु का एक जबरदस्त योजना है। प्रभु और हम एक होना बोलेगा तो पूरा तरीका से, इसलिए हम लोग देखते हैं। मेरे प्यारे बहनों, मेरे पास बहुत सारा कोटेशन है और ये हम लोग देख सकते हैं। और इधर मैंने ये बहुत जबरदस्त, बहुत सावधान से सुनना चाहिए। यहाँ पर मैंने अब्राहम और उनका बीज, उनके बारे में, क्योंकि इंग्लिश में अब्राहम एंड सीड आप कर दी। वैस यहाँ पर भाई ब्रैनम 1961 का मैसेज भाई ब्रैनम ने प्रचार किया। वहां पर भाई ब्रैनम के तहत अब्राहम एक ये यहूदी नहीं था। मेरा प्यारा भाई बहनों, परमेश्वर अपना रक्षण का कामों को अन्य जात का जात के बीच में से बनाने करने को शुरू किया। वैसे अब्राहम, क्योंकि ये यहूदी लोग बाद में आ गए, ज्यूस जो है बाद में आए, ज्यूस जो है जैकोब का बाद ज्यूस लोग आता है। जैकोब जो है उसका नाम बदल होता है, जैकोब से लेके उनका नाम इसराइल होता है। वैस जैकोब तक हम देख सकते हैं अब्राहम को अन्य जात के अब्राहम। इसीलिए परमेश्वर का ये रक्षण का काम फैला, अन्य जात से शुरू हो गया। वैस बहुत लोग इसको जानते, बहुत लोग बोलते हैं यहूदी लोग ज्यूस के अंदर, प्रभु नहीं, परमेश्वर पहला उतर के आया अन्य जात के पास। ये बहुत बढ़िया चीज है, परमेश्वर पहला उतर के आया अन्य जात लोगों के पास, जंटाइल बोलते हैं इंग्लिश में, और जंटाइल के पास परमेश्वर पहला उतर के आया। वही परमेश्वर इस अंतिम दिन में वापस जंटाइल के बीच में उतर के आया। ये उधर भी आप पहले भी
अभी अंत में भी परमेश्वर का ये थी हमें, वो जैसा उधर उधर के आया और अब्राहम को बुलाया। अब्राहम एक जंटाइल था, अन्य जात का था, वयस्क और उनका पिता, और हम देखता है कि उनका पिता मूर्ति पूजा करता था और सूर्य को वो लोग पूजा करता था, सब कुछ था। ऐसी स्थिति के बीच में से परमेश्वर अब्राहम को बुलाया। परमेश्वर उतर क्या है, परमेश्वर खुद उतर क्या है मनुष्य का शरीर को लेके, दैट इज द टाइप ऑफ द सन ऑफ मैन, मनुष्य पुत्र का जैसा। वयस परमेश्वर उतर क्या आया और अब्राहम को बुलाया। वयस अब्राहम को जैसा बुलाया परमेश्वर, मेरा प्यार भाई बहनों बराबर सुनिए, वही परमेश्वर वही अब्राहम के बीज भी अंतिम दिन में वो भी जंटाइल है, वो भी अन्य जात है। वयस जो याकूब के बाद जो संतान हो गया यहूदी लोग, वो शरीर का है, वो शरीर का है, वो लोग वयस शरीर का है, मगर यीशु मसीह आने से वो यहूदी लोग भी, वो लोग यहूदी का धर्म से बाहर आके यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया। और वही गॉस्पेल हम देखता है, वही गॉस्पेल यहूदी लोगों के, क्योंकि यहूदी लोगों के बीच में परमेश्वर आते हुए, यहूदी लोगों के बीच में, क्योंकि यहूदी लोगों को भी सात कलीसिया का युग को दिया गया वयस, और आखिरी का सात कलीसिया के युग में आखिरी में प्रभु यीशु मसीह आते हुए यहूदी लोगों का जो कलीसिया का युग में अंतिम में वो आते हुए यहूदी लोगों का बीच में अपने आप को प्रत्यक्ष कर दिया और यहूदी लोगों का झुंड को लेते हुए उधर पहला ब्रेड उधर हो गया, पहला ब्रेड वो पूरा यहूदी लोगों का, क्योंकि प्रभु ऐसा करना पड़ा, क्योंकि मेरे प्यार में बहुत बढ़िया बहुत गहरे का बात है, क्योंकि यहूदी लोग यहूदी से भी प्रभु अगर यहूदी लोगों के बीच में से दुल्हन को निकालने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह उधर प्रभु यीशु मसीह वहां पर प्रकटित हो गया, परमेश्वर उधर प्रकटित हो गया और प्रकटित होते हुए यहूदी लोगों के बीच में से दुल्हन को निकाल दिया, यहूदी लोगों के बीच में वयस यहूदी लोगों का बीच में से दुल्हन को ले लिया, वो पहला ब्रेड है, मगर वो लोग पूर्ण प्रमाण में नहीं आते, क्योंकि पूर्ण प्रमाण का ब्रेड जो है अन्य जात से परमेश्वर ले लिया, जैसा अब्राहम अन्य जात का था वैसे ही परमेश्वर अन्य जात में आके, क्योंकि जो गॉस्पेल थोड़ा यहूदी लोगों को दिया गया और यहूदी लोगों काम को अंधा कर दिया हमारे लिए, क्योंकि प्रभु जंटाइल में पहले भी काम किया और आखिरी में भी प्रभु जंटाइल में वैस अन्य जात में प्रभु काम किया, प्रभु का नाम धन्यवाद है, वैस अंतिम में भी प्रभु अन्य जात में काम किया, इसीलिए प्रभु का नाम हम धन्यवाद करना चाहते हैं। मेरे प्यारा भाई बहनों, अब्राहम जैसा अन्य जात था वैसे अंतिम दिन का अब्राहम के बीज भी, अब्राहम के सीड भी अन्य जात का, वैसे उसके बीच में यहूदी लोगों को प्रभु ने रक्षण दे दिया और यहूदी लोगों को भी परमेश्वर ने वाचा बांधा अपना खून से। कभी भी वाचा बांधने के समय में वहां पर खून उधर शेडिंग द ब्लड, खून उधर गिरना चाहिए, वैसे परमेश्वर खून से वाचा बांधता है, वैसे कभी भी वाचा बांधने के समय में खून उधर गिरना चाहिए। मेरा घर ऐसा खून को बहाया और इस अंतिम दिन में भी वाचा बांधने के लिए वो खून आना चाहिए, वैसे किधर नहीं मांगू, बिना खून बिना वाचा से मनुष्य को किधर भी सैलवेशन नहीं मिलता है, वैसे परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। और हम लोग इधर इधर देखेंगे ये बहुत जबरदस्त, यस अब्राहम को परमेश्वर क्यों बुलाया, अभी प्रश्न है, अब्राहम एक अन्य जात में था, अब्राहम को बुलाने के लिए परमेश्वर अब्राहम का चुनाई हो गया, जगत उत्पत्ति के पहले परमेश्वर अब्राहम को चुना था, वैसे आज हमको मेरा ख्याल हम कोई मनुष्य हमको चुना नहीं, कोई पास्टर ना कोई मिनिस्टर हमको चुना नहीं, वैसे हम इस मैसेज में कोई चुनते हुए कोई हमको लेते हम आए नहीं, हम परमेश्वर ने हमको इस सेवकाई का अंदर लेकर आए, परमेश्वर वो परमेश्वर का महान काम है, हमको कोई भी छूना नहीं, हमको कोई भी हमको बोला नहीं, इसलिए वचन क्या बोलता है, इट इज नॉट ही दैट कोई भी प्रभु के पास जाना भागता भागेगा नहीं और कोई भी प्रभु के पास भाग भी नहीं सकते, उनको चुन भी नहीं सकते, ये परमेश्वर हमको खुद चुन लिया, परमेश्वर हमको खुद चुने, कैसा परमेश्वर हमको खुद चुना, हमको एक बड़ा सबूत है वो चुना करके, परमेश्वर हमको शानदार रेवलेशन को देता है, वो शानदार रेवलेशन जो है हमको मिलने के बाद हम उसको प्रेम करता है, हम उसको अपना जीवन में लगाता है, वो प्रभु हमको चुना करके सबूत होता है, परमेश्वर का नाम धन्यवाद।
आप गाना गाने से आप कोई बोलेगा नहीं आपको प्रभु छूना करके, आप कितना भी हजारों गाना गाओ, हजारों प्रचार करो, हजारों आप सेवक के काम करो, उसमें आपका चुनाव का बात मालूम नहीं पड़ता है, आपको चुनाव का ऐसे मालूम होता है, तब वो रेवलेशन आता है, तब परमेश्वर आपका प्रकाशन, तब परमेश्वर प्रकटित होता है, आप उस प्रकटन में आप उसको स्वीकार करता है और प्रभु का वचन में आप खड़ा रहता है और पवित्र आत्मा का आता है, वो प्रभु आपको चुना जैसे। हाँ, और तीन चीज आपके जीवन में होना चाहिए, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन एंड बैप्टिज्म ऑफ द होली घोस्ट, नीतिमान बनना, पवित्रता बनना और पवित्रात्मा का बपतिस्म को पाना, ये तीन चीज मेरा प्यार है, तीन चीज बहुत बड़ा चीज है। इसलिए मलाकी 4:5 का लोग मैं बोलना चाहता हूँ, वो लोग को कुछ भी तरीका मालूम नहीं है, वो कैसे भी जी रहे, कैसे भी, वो लोग एक ही बात मालूम है, हम ब्रैनम का मैसेज नहीं है, हम प्रॉफिट का मैसेज नहीं, वही 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 वो लोग मालूम, मगर मेरा प्यार हम प्रॉफिट का मैसेज में होने से, भाई ब्रैनम को नबी मानने से आपका रक्षण होता नहीं है, आपका रक्षण के लिए आप वाचा के नीचे आना चाहिए, परमेश्वर इस अंतिम दिन में अपना लोगों के लिए वाचा बांधा, वाचा बांधने के लिए वो किसी को नहीं भेजा, ना नबी लोगों के द्वारा वाचा नहीं बांधा, विलियम ब्रैनम हमारे बीच में आके वाचा नहीं बांधा, ना भाई लैम्बर्ट हमारे बीच में आके वाचा नहीं बांधा, हम मेरा और आपका हमारा और प्रभु के बीच में वाचा बांधने के लिए परमेश्वर खुद उतर के आए, परमेश्वर खुद उतर के आए, बिना वाचा के नीचे आने से आपको रक्षा नहीं मिलता। भाई ब्रैनम का मैसेज को पाने से और उसको स्टडी करने से आपको रक्षा नहीं मिलेगा, मगर आप वाचा के नीचे आना मंत्री आप ब्रदर वाटसन वाचा के नीचे आने के, आप वाचा का दूध को पहचाने का, वाचा का दूध कौन है, क्राइस्ट है, वाचा का दूध मसीह है, वाचा का दूध परमेश्वर है, खुद परमेश्वर आता है मेरा और आपके बीच में वाचा बांधने के लिए। अभी इसके लिए आप देखो जनेसिस में जाओ, उत्पत्ति में परमेश्वर हम देखता है कि प्रभु क्या बोला, ये फल को तुम खाओ मत बोला, मगर वो लोग खाया, वही हम लोग वचन को तोड़ने वाले, सभी लोग हम वचन को तोड़ने वाले, कोई भी इस पृथ्वी में कोई भी इतना महान व्यक्ति नहीं है वचन को नहीं तोड़ने वाला, मेरे को बताइए, सब लोग आज दूसरे को उनको इनको अपने आप को बड़ा करके सब लोग वचन को तोड़ने, सॉरी वचन को तोड़ने वाले, कोई भी वचन को रखने वाला नहीं है, आप और मैं वचन को बिल्कुल रख नहीं सकते फ्रेंड, हमको वचन में वचन को रखने के लिए हमको पहला वाचा के नीचे आना चाहिए और वाचा को पहचानना चाहिए, वैसे वाचा बोलेंगे तो खाओने वैसे बिना यीशु मसीह का खून के द्वारा आप वचन को नहीं रख सकते। मैं एक दावा करता हूं, कोई मनुष्य इस पृथ्वी में अभी भी कितना भी बड़ा आत्मिक हो वैसे तब तक वो वाचा के नीचे नहीं आता है, तब तक परमेश्वर का वाचा को नहीं पहचानता है, तब तक वो परमेश्वर का ये मेरा प्यार बहन बहनों वाचा का नीचे नहीं आते फ्रेंड्स, वो परमेश्वर के वचन को नहीं रख सकता। वैसे वाचा के नीचे आने से परमेश्वर आपको अपना वचन को रखने के जैसा करेगा, वो प्रभु का काम है। ऑलराइट, इधर देखिए वैसे अभी इधर प्रभु इधर एवरी टाइम दैट गॉड मेक्स अ कवेनेंट विद द मैन, हर एक बार परमेश्वर मनुष्य के साथ वाचक वो उनको तोड़ता है, मगर अब्राहम के साथ एक कवेनेंट बनाया, वाचा बनाया, वो क्या है, अनकंडीशनल है, उसको कुछ भी नियम, उसको कुछ भी लिमिट नहीं, अनकंडीशनल वैसे वो ऐसा नहीं, अनकंडीशनल ऐसा नहीं अगर तुम ये करेगा मैं वो करेगा, वो ऐसा नहीं है, अनकंडीशनल बोलेगा तो अगर तुम कुछ भी करो मैं तेरे को क्षमा करता हूं, अगर तुम कुछ भी करो मैं तेरे क्षमा करता हूं और मैं मेरा कृपा के नीचे तुमको डालता हूं, ये अनकंडीशनल वाचा है, अनकंडीशनल कवेनेंट है, वैसे एक कवेनेंट को परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधा, वो अब्राहम के साथ बांधा वो कवेनेंट इस अंतिम दिन में उनका बीज को भी लागू होता है, क्या से वैसे अब्राहम को दिखाया क्योंकि वो कार्य अब्राहम को नहीं है उनका बीज को भी, वैसे वो यहूदी हो वो कोई भी हो क्योंकि अब्राहम का बीज हम कौन सा बनते, विश्वास है, क्योंकि जो विश्वास जो रेवलेशन अब्राहम का पास था, जो प्रकाशन अब्राहम का पास था, वही प्रकाशन मेरा घर बैठे मेरा और आपका होएगा, हम अब्राहम के बीज बन सकते हैं, वैसे बाई फेथ वचन क्या बोलते हैं, विश्वास के द्वारा हम अब्राहम का बीज बनते हैं, वैसे वही विश्वास
अलग नहीं, वही विश्वास जो अब्राहम ने विश्वास रखा, जो अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। जब मेरा प्यार कभी प्रभु आपको बुलाता है आप नीतिमान बनते हैं, yes, आप नीतिमान कैसे बनते हैं ब्रदर वार्सन, आप नीतिमान ऐसे बनते हैं, आपको प्रभु बुलाना चाहिए, yes, आपको प्रभु बुलाना चाहिए, yes, अभी चर्चे जस में भी देखिए, चर्चे इतना अंधकार, चर्चे जो शुरू हो गया, पहला काम हो गया जस्टिफिकेशन हो गया लूथर के समय में, जस्ट शैल लिव बाय फेथ, विश्वास के द्वारा नीतिमान रह सकते, जस्ट शैल लिव बाय फेथ, विश्वास के द्वारा नीतिमान रह सकते, चर्चे जिसमें प्रभु लूथर के द्वारा बुलाया, वही सर, क्योंकि अन्य जात का झुंड, अन्य जात में गॉस्पेल, क्योंकि पेंटेकोस्ट का बाद 325 साल तक ये पेंटेकोस्ट का जो बेदारी चलता था, मगर 325 में नाइसिया काउंसिल में वही सर मनुष्य पुत्र का प्रकाशन निकल गया, प्रभु का बेटा का प्रकाशन आ गया, वही सर नाइसिया काउंसिल में पिता पुत्र परमात्मा का बपतिस्मा शुरू हो गया, वही सर क्योंकि मेरा पूरा मेरा घर बैल बेन पेंटेकोस्ट का सामर्थ्य निकलने के बाद वही सर 325 में मेरा घर बैल बेन नई से काउंसिल में ये डिग्री होने के बाद सभी लोग यीशु जो बोला है उसी को आप विचार उसी को फॉलो करने के, वही सर वहां पर हम देखते हैं कि वही सर परमेश्वर का नाम धन्यवाद है, वो लोग वो पहला जैसा एडेन बगीचे में हुआ ये परमेश्वर का वाचक को ठो डाली, वैसे ही नई से काउंसिल में पहला युग का जो फैला सेंचुरी का चर्च वाचक को थोड़ा रब ने उसको उसके साथ वाचा बांधा था अपना खून के द्वारा, वो वाचक को नई से अकाउंट में तोड़ दिया, माय गॉड, थोड़ने के बाद मेरा पैरा बैर बहनों अंधेरे का दिन शुरू हो गया, वही ऐसे अंधेरे का दिन उसको कहते हैं छत थे जस खली शक्ति को अंधेरा चाल हो गया, उजाला निकल गया अंधेरा चाल हो गया, और अंधेरे में प्रभु, अंधेरे में प्रभु पहला थोड़ा उजाला दे दिया क्योंकि बुलाया उसको, और छत थे जस ने बुलाया जस्टिफिकेशन, और आगे बढ़ते जाते हुए जाते हम देखते हैं वेस्ली आ गया, वेस्ली के समय में प्रभु पवित्रता वह सैंक्टिफिकेशन, और आगे जाते हुए भाई ब्रैनम आ गया, हम देखते हैं ये युग में वही सर ये युग में हम देखते हैं बैप्टिज्म आपका होली गोस्ट पवित्रात्मा का बपतिस्मा, मगर चर्चेज का युग में पवित्रात्मा का बपतिस्मा नहीं होता है, पवित्रात्मा का बपतिस्मा होने के लिए ब्राइड एज में आना चाहिए, दुल्हन के युग में आना चाहिए, हालेलुया, दुल्हन के युग में बपतिस्मा आपका होली गोस्ट वाला है, वही सर ब्रैनम के समय में भी नहीं है, क्योंकि ब्रैनम के समय में भी पवित्रात्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ, वही सर नहीं हुआ, इसलिए भाई ब्रैनम उनका कलीसिया को बुला के बोलता था, उनका मेरा प्यारा भाई बहनों वो बोलता था पास्टर नेविन और डीकन बोल ट्रस्टी बोल इधर सुनो, अगर टोकन नहीं है आप नाश हो जाएगा, क्योंकि वो टोकन को दिखा रहा था, टोकन आने वाला है और चेतावनी दे रहा था, क्योंकि भाई ब्रैनम मालूम था टोकन क्या है, क्योंकि भाई ब्रैनम को 100% मालूम था टोकन क्या है, क्योंकि भाई ब्रैनम के अंदर वो टोकन आया था, भाई ब्रैनम के अंदर पेंटेकोस्ट का सामर्थ्य आया था, इसलिए भाई ब्रैनम सही ने बोला, इनको मालूम था, क्योंकि जो टोकन के बारे में प्रचार करते हैं उसको टोकन मालूम ही, भाई ब्रैनम के अंदर टोकन था, भाई ब्रैनम के ऊपर हेडस्टोन था, भाई ब्रैनम के ऊपर कैपस्टोन था, वही भाई ब्रैनम पूरा तरीके से पेंटेकोस्ट का सामर्थ्य को पाया था, और उन्होंने ब्रैंड के बारे में बोल रहा था, और भाई ब्रैनम का समय में क्योंकि वो चर्च एजर्स में खड़ा था, वो ब्रैंड एज में नहीं था, और इसीलिए वो दिखा रहा था, क्योंकि आखिरी में क्योंकि सब सारा चर्च एज लवदोष्य तक लवदोष्य के मैसेज आने के बाद भी बैप्टिज्म आपका होली गोस्ट नहीं हुआ फ्रेंड, इसलिए वो लवदोष्य का दूत क्या बोलते हैं इस अंतिम दिन में, इस अंतिम दिन का लोग सेंस करता है उधर एक आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट करके चर्च एज में लिखा है, चर्च एज में लिखा है बोलो दे आर सेंसिंग फॉर द आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, होने के लिए वाचा का दूत आना चाहिए, वाचा का दूत बिना वाचा का दूत से होली गोस्ट बैप्टिज्म नहीं होता है, वैसे मेरे को आपको होली गोस्ट बैप्टिज्म होने के लिए सिर्फ भाई ब्रैनम को पहचानने से, भाई ब्रैनम के मैसेज को पाने से, भाई ब्रैनम के जैसा नकली ढोंग बात करने से और उनके जैसा मिनिस्ट्री करने से, उनके जैसा नकली करने से आपको और मेरे को होली गोस्ट बैप्टिज्म नहीं मिलता है, मेरे को आपको होली गोस्ट बैप्टिज्म मिलने के लिए बहनों हम वाचक दूत को पहचाने, क्योंकि उसके लिए वाचक दूत आना चाहिए और वाचा बांधना चाहिए, वैसे भाई ब्रैनम के समय में वाचक नहीं बांधा, वैसे कौन बोलता है मेरे को चैलेंज है मेरा दुनिया के लिए,
वयस प्रभु भाई ब्रैनम वाचा बांधने का दूत नहीं है, वयस वाचा बांधने का दूत का दिखाने वाला तो भाई ब्रैनम, भाई ब्रैनम पॉइंट आउट किया, भाई ब्रैनम का इतना सारा मैसेज 1400 मैसेज वाचा का दूत को पॉइंट आउट करता था, और इस दिन का श्रीमान यही जो समय किया उस मैसेज में भाई ब्रैनम ये वाचा का दूत के बारे में बराबर बोल दिया। Yes, Lord. Amen. Oh, yes. Amen. Blessed be the name of the Lord. Oh yes, भाई ब्रैनम वाचा का दूत नहीं है, भाई ब्रैनम वाचा का दूत का रास्ता बनाने को आ गए। Amen. Yes, भाई ब्रैनम से बढ़कर वाचा का दूत का मिनिस्ट्री बहुत बढ़िया है। Yes, भाई ब्रैनम का मिनिस्ट्री रास्ता बनाने का वाचा का दूत के लिए, क्योंकि वो बराबर रास्ता बना दिया, उनका मैसेज में वाचा का दूत आ गया। Blessed be the रास्ता बोलेगा क्या ब्रदर वास्टर, रास्ता बोलेगा मैसेज, मैसेज जो है रास्ता, वही मैसेज में वाचा का दूत आ गया। Can you say amen? Yes, Lord. Oh, yes, Lord. Beautiful hai gospel. Amen, amen. Jo samachar kabhi bhi beautiful hai. Thank you, Lord. Koi bhi mistake nahi hai. Oh, yes, sir. Koi bhi mistake nahi hai. Gospel mein. Parameshwar ka naam mein, naam ko dhanyawad hai. Oh, yes, sir. Ye aapko study mein maloom nahi padta hai. Ab kitna bhi study karo, kitna bhi quotation ko leke aaye ki mera saam mera chhaya lege aapko. Bhai Branham ke samay mein koi bhi rakshan nahi paaya. Yes, Lord. Oh, yes, sir. Magar Bhai Branham जो लोग भाई ब्रैनम का मैसेज में था, जैसे चर्च में वो लोग लूथर वेस्ली और एरेनियस कोलंबा उनके नीचे होते हुए वो मैसेज को संदेश को विश्वास कर रूप से ले लिया, वो लोग रक्षण पाया, मगर जो रक्षण में बात करता है वो रक्षण अलग है स्वर्ग, क्योंकि आप स्वर्ग में जा सकते हैं, वो रक्षण के बारे में आप विश्वास कर ले स्वर्ग में बिल्कुल जाएगा। बहुत लोग भाई ब्रैनम को स्वर्ग में मिला मालूम है, वो आया में भाई ब्रैनम गए, बहुत लोग बोला आप हम आपका कन्वर्ट से बोला कन्वर्ट आपसे, मगर ये रक्षण अलग है, ये रक्षण जो है पूरा कंप्लीट क्या बोलते हैं कंप्लीट सैलवेशन, पूरा सैलवेशन टोटल डिलीवरेंस, संपूर्ण रूप से डिलीवरेंस रक्षण में, बहुत रक्षण है, आप रक्षण तो आया वैसे ये हीलिंग भी रक्षण है, आपको शरीर में हीलिंग हो रक्षण है, हीलिंग से आपको रक्षण मिला, मगर ये रक्षण वो नहीं है, ये रक्षण आपका आपका शरीर पूरा रीति से छुटकारा पाना, आपका शरीर पूरा रीति से सोदोम गोमोरा से पूरा पाप से पूरा तरीके से आपका शरीर रक्षण पाना, क्या नहीं उसे वयस, ये बहुत बढ़िया चीज है वयस, इसलिए मेरा ख्याल बेहतर है सैलवेशन के लिए, क्योंकि सैलवेशन रैप्ड अप इन द सन ऑफ मैन, सैलवेशन को सैलवेशन मनुष्य पुत्र के अंदर छुपा हुआ है, मनुष्य पुत्र के अंदर ऑलरेडी ये सब हमको मालूम होना, मेरा प्यार कर दे वयस, जैसा मैंने बोला रक्षण का अन्य जात में स्टार्ट हो गया, यहूदी लोगों के अंदर नहीं, वो गलत गलत है, बहुत लोग सोचते हैं यहूदी लोगों के अंदर यीशु मसीह, नहीं यीशु मसीह यहूदी लोगों के अंदर आने का पहले अन्य जात के अंदर आ गया, हम इन से में यीशु मसीह मेरा प्यार यहूदी लोगों के अंदर आने का पहले अन्य जात के अंदर आ गया, वयस हाँ, और मैंने कहना चाहता हूँ ब्यूटीफुल है, देखिए सचमुच का यूनियन, सचमुच का एक होना, अभी सचमुच में एक होना मेरा दर दर मेरा सचमुच में हम एक होने यूनियन होना, सचमुच में यूनियन होना गड़बड़ नहीं होता है कोई भी बीमारी, क्योंकि इधर गलत तरीके से यूनियन हो गया, जैसा हवा और सर्प का यूनियन होने से, आदम और हवा एक होने के पहले, बराबर सुनो आदम और हवा एक होने के पहले हवा और सर्प एक हो गया, हवा और सर्प एक होने से ये यूनियन गलत यूनियन है, इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों जो भी शादी का यूनियन है, अभी भी बताता हूं जो भी शादी का यूनियन है अगर गलत होने से गड़बड़ बहुत होता है, इधर हम लोग देखते हैं सर्प और हवा का यूनियन होने से बहुत बड़े इतना तक बीमारी आने के लिए कारण रॉन्ग यूनियन से, वह सही यूनियन नहीं हो गया, परमेश्वर का नाम धन्यवाद है, परमेश्वर इस गलत यूनियन को गलत एक होने के निकलते हुए सही यूनियन बनाना चाहते हैं, परमेश्वर का सही यूनियन क्या है ब्रदर वर्सन वर्सन प्रभु और मनुष्य एक होना, क्या नहीं उसे वो परमेश्वर का सही यूनियन है, वह आप लोग सुनना चाहते हो, मैं मिक्सअप नहीं करता मैसेज को, थोड़ा लंबा मैसेज है ऑलरेडी, इधर देखिए हाँ इधर मैंने आप लोग को पढ़ना चाहते हैं वननेस मैसेज भाई ब्रैनम ये एकत्व होना एक होना वो मैसेज में इधर भाई ब्रैनम इधर कहते हैं वयस ब्यूटीफुल ऑल राइट गॉड परमेश्वर ये गॉड्स दैट्स गॉड्स पर्पस परमेश्वर की एक उद्देश्य उनका उद्देश्य जो है वो पिता होने के नाते
वो अपना परिवार के साथ एक होना चाहते हैं, उनका परिवार पृथ्वी में है और आदम और हवा एंड ओनली वे वो उनका परिवार भी एक होना बिकॉज उनका स्वभाव मनुष्य के अंदर होने का है, सो दैट उन्होंने मनुष्य प्रभु का स्वभाव में बनाया गया है क्योंकि वो लोग एक है। ये क्या है, कितना अच्छा पिक्चर है, गॉड इन हिज फैमिली, परमेश्वर उसके परिवार में है, सब उधर अगर परमेश्वर अपना परिवार के साथ एक होएगा, उधर मौत नहीं है, उधर दुख नहीं है, उधर बीमारी नहीं है, उधर कुछ भी नहीं है, वैसे और सिकनेस बीमारी नहीं है, कौन सा भी कोरोना वायरस आके आपको पकड़ेगा नहीं, कौन सा भी नहीं आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का स्वभाव वो अपना लोगों के अंदर होता है। इसलिए हम देखते हैं ऑलराइट वो उनको एक बनाए और इसलिए यीशु मसीह की प्रार्थना किया 17 चैप्टर जॉन 17 में और 11 अध्याय में 11 वचन में बोला ऑलराइट परमेश्वर ने ऐसा प्रार्थना किया, पिता जैसा हम एक है वैसा आप ये लोग को भी एक बनाओ, दैट द चर्च बी एज मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये कलीसिया अनेक सदस्य के साथ हो, वो सदस्य के साथ है, उनको एक बना दो जैसा है वो और पिता एक है, एंड उन दिन में वो लोग जानेगा पिता और वो एक है वैसा हम भी उनके साथ एक है। What a union, कौन सा तरीका का यूनियन है, oneness, एक होना, वो ये दो नहीं है, oneness, इधर हम लोग एक देखता है, प्रभु को, प्रभु मेरे प्यारे प्यारे बहनों, जब यीशु को प्रश्न पूछा गया, ये क्या प्रश्न है, हमको पिता को दिखाओ करके, तब यीशु क्या बोला, पिता को उधर देखो, बोला नहीं मेरे को देखेगा, पिता को देखो, क्योंकि वो पिता यीशु के अंदर था। Can you say amen? वैसा दिन भेड़ कभी आता है, अब पिता को दिखाओ करके कोई बोलेगा तो पिता भेड़ के अंदर होएगा। Oh yes, can you say amen? उसको बोलते हैं ये होना। My God. Oh yes, ये होना। Blessed be the name of the Lord. Oh yes, blessed be the name of the Lord. पिता ये होना। वो perfectly. That is the church. वो church यीशु मसीह आना चाहते हैं। वो ऐसी church है क्योंकि ये होना। प्रभु ने यीशु मसीह के साथ शादी के लिए एंगेजमेंट के निश्चय कर दिया, अभी तक वो शादी नहीं हो गया, देखो भाई ब्रैनम बोला अभी तक वो शादी नहीं हो गया, अभी तक वो शादी नहीं हो गया, वो यस इट विल बी वेडिंग सपर ऑफ द लैम, वो अगर होएगा तो वो मेमना का एक शादी का शादी का खाना होता है, वो यस सो वी सी दैट द चर्च इज नाउ अभी कलिश को हम देखेंगे, वो अभी निश्चय हो गया, अभी निश्चय एंगेजमेंट हो गया, आमेन से आमेन, अभी एंगेजमेंट हो गया, ये रेवलेशन हमको मिला वो एंगेजमेंट, रेवलेशन क्या है, हम हमारा दूल्हा को पहचान दिया, कैन यू से मैन, हम हमारा दूल्हा को देखा, दूल्हा का शक्ल देखा, दूल्हा का हृदय को देखा, दूल्हा का मन को देखा, दूल्हा का सब प्रेम को देखा, दूल्हा का उपस्थिति को पाया, ये सब हम उसके साथ निश्चय पाया, कैन यू से मैन, ये सब हम निश्चय हो गया, दूल्हा का साथ हमारा निश्चय हो गया, शादी नहीं हो गया, निश्चय अलग है, शादी अलग है, कोई लड़की के साथ एक लड़का का निश्चय होता है, एंगेजमेंट होता है, पक्का हो गया वो उनके साथ शादी करके करके, अभी निश्चय क्या एविडेंस है, हमारा निश्चय हो गया, निश्चय हुआ एविडेंस यही है, आप दूल्हा का नीचे रहते हैं, आप माइटी प्रेजेंस का नीचे रहते हैं, वैसे आपका आप कुछ भी खड़े आपका जीवन में कुछ भी प्रभु आपको समर्थ है और आपके साथ रहते हैं, आपको कभी भी गिरना नहीं देगा, अगर गिरेगा तो प्रभु आपको उठाएगा और अपना खून से धोएगा, क्योंकि दूल्हा अपना खून को आपको देगा, क्या डरने का कोई भी बात नहीं, आप निंदा मक्के नीचे नहीं है, अब कौन कौन मसीह में है, आप क्या वर्ड ऑफ गॉड बोलते दो दे दैट आर इन क्राइस्ट शैल नेवर कम अंडर द रेवल, इसका मतलब क्या, दे दैट आर अंडर द रेवलेशन, दे दैट आर रिसीव द रेवलेशन, जो प्रकाशन को पाया है वो मसीह में है, मैसेज को पाने से नहीं, प्रकाशन को पाने से आप हंसी में, कैन यू से आमेन, प्रभु के नाम को धन्यवाद, ये ब्यूटीफुल गॉस्पेल है, वॉयस लाइक मैन एंगेजमेंट, व्हाट डज इट एंगेजमेंट, ये निश्चय का क्या है, हाँ वो क्या
आपको पूरा दान दे देगा, जैसा मैंने बोला वैसा आपको अच्छा करने के लिए। हाँ, वो अपना कनिष्ठ के लिए क्या करेगा, अपना दान तो भेजेगा। वैस अवखानी इंगेजमेंट कैसा, आप कोई लड़की के साथ आपका इंगेजमेंट हो उनको गिफ्ट देते हैं, ऐसा गिफ्ट हमको मिला। वैस वो गिफ्ट मिला हमको एंगेजमेंट गिफ्ट, 5 तारीख का गिफ्ट मिला, दान मिला। वैसे 5 तारीख का दान और बहुत सारा दान हमको मिला, गिफ्ट दिया हमको, अभी गिफ्ट मिला। हाँ, गिफ्ट मिलना अलग है, गिफ्ट देने वाला मिलना अलग है, बहुत ध्यान रखो। गिफ्ट अभी मिला, गिफ्ट देने वाला नहीं मिला। वैसे गिफ्ट देने वाला मिलने का हमको, मगर गिफ्ट देने वाला अभी निश्चय होने के बाद हमको गिफ्ट मिलता है। कौन सा भी लड़के के साथ लड़का का एंगेजमेंट होता है वो गिफ्ट देते हैं लड़की को, वैसा हमको गिफ्ट मिला। वैसे परमेश्वर का नाम धन्यवाद, गिफ्ट मिला। हो सकता है प्रचार का गिफ्ट, हो सकता है भविष्यवाणी का गिफ्ट, ये सब गिफ्ट है, मगर वो गिफ्ट देने वाला नहीं मिला अभी तक। हाँ, गिफ्ट को पाने से आप खुशी मत करो, खुदी मत मारो, खुदी मारने वाला बहुत है गिफ्ट को लेके, बहुत खुदी मारते हैं लोग, या ऐसे खुदी मत मारो, गिफ्ट को रखो और गिफ्ट देने वाले को सोचो कभी वो आके शादी करके करके। गिफ्ट देने वाला हमको मिलना चाहिए, गिफ्ट खाली मिलने से कुछ फायदा नहीं है। लोग आज वही मिस्टेक करता है, गिफ्ट को पकड़ के बहुत बड़ा आदमी बन गया, मगर आपको आपके एक बात बोलता है, गिफ्ट से हम कुछ बड़ा नहीं होते, गिफ्ट देने वाला मिलना चाहिए। वैसे तभी हमको मालूम पड़ता है जो काम मैंने किया है वो काम आप भी करेगा, वो गिफ्ट देने वाला मिलने के बाद मेरा बिना कुछ भी नहीं करेगा, वो भी वो बोला। इसलिए मेरा प्यारा भाई, गिफ्ट देने वाला मिलने का हम कोशिश करने का, हम इंतजार करने का, यानी उसे मैं आप क्या है ऐसी दान नहीं करके, इट इज अ वेरी लव टोकन और चिंता, इट इज गॉड्स टोकन टू द चर्च। वॉयस माय ब्रदर, इट इज गॉड्स टोकन टू द चर्च, परमेश्वर का चिन्ह है कलीसिया के लिए। जीसस सेड दिस साइन शैल फॉलो देम दैट बिलीव, आमेन। ये चिन्ह सब, दी साइंस, ये चिन्ह और चमत्कार हम विश्वास करने वाले के पीछे आएगा। वैस यीशु मसीह के साथ अपने चेलों में जा गया, खाया, सोया और बहुत तरीके का चिन्ह और चमत्कार को देगा। और इतना होते भी वो लोग गॉस्पेल प्रचार करने के लिए फिट नहीं हो गए। देखो वो लोग खाना खाया, पिए, पानी पिया, सोया उसके साथ, मगर वो लोग फिट नहीं हो गया। वह जीसस से डोंट यू प्रीच एनीमोर, प्रभु ने बोला कभी भी प्रचार मत करो, डोंट यू इवन ट्राई, उसका ट्राई भी मत करो, यू वेट देयर इन द जेरूसलेम। तुम यरूशलेम में जाके इंतजार करो, कैन यू से तुम जेरूसलेम में जाके इंतजार करो। यस, आई एम गोइंग टू सेंड द प्रॉमिस, मैंने आप लोगों को एक वादा को भेजता हूं, यस, दैट हैज बीन गिवन यू अपॉन यू, आप लोगों को ऊपर आएगा, दैट ग्लोरीफाई यू देन। वो मेरा घर वो जेरूसलेम में क्या हो गया प्रभु, और वो लोग ये हो गया, कैन यू से प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। ये जो है चर्च है, ये जो है चर्च है, औसत आप ये इसका भार सभी लोग उठा लोगे, सभी लोग धंधा लोगे, सभी लोग सो रहे हैं, कोई भी अच्छा नहीं है। हाँ, मैं क्यों करके दिखाता है, कोई भी बोल नहीं सकते मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छी हूं करके। और हम सबका सबका रंग हम देखा है, सब लोगों का रंग है, माई गॉड। इसलिए मेरा प्यार बैर हम चुप बैठते करके कभी भी हमको मारो मत। वैसे मेरा प्यार बैर सभी का हमको मालूम है, कोई किसी का हम ऐसा नहीं है, सब लोग मैं भी, हम लोग अभी सिद्धत में नहीं है, हम सब गंदगी लोग हैं, मगर हम अच्छा बनने के लिए ट्राई करते, अच्छा नहीं बन सकते। पौलुस क्या बोला, मैं बहुत कोशिश करते अच्छा बनने के लिए, मगर मेरे में बुराई है करके बोला, क्योंकि ये शरीर बुराई से बना है। मगर मेरा प्यार बैर इस अंतिम दिन में ऐसा ठोकर आएगा, ऐसा कोई प्रार्थना का बपतिस्मा आएगा मेरे को और आपको, मेरा प्यारा भाई मेरे को और आपको सब गंदगी से छुटकारा देता है। ये ठोकर है, ये चिन्ह है, कैन यू से आमेन। नाउ फादर आई प्रे, पिता मैं प्रार्थना करता हूं, आई प्रे दैट दे विल बी वन जस्ट एज यू एंड आई आर वन। वो लोग भी एक होने दो, प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना देखो, क्योंकि उसको मालूम है पिता और वो एक होने से क्या होता है करके, उसको मालूम है। माई गॉड, ऐसी चर्च भी एक होने दो, तभी देखो इधर क्या होते हैं, 3 in 1 बोलेगा तो 3 अलग अलग नहीं है, और वैसे पिता पुत्र पवित्र अलग अलग नहीं है, इधर ये को देखते हैं हम लोग, वो लोग भी ये अनॉइंटिंग, ये अभिषेक, ये प्रभु तुम कृष्ण के अंदर भी हो जाना, तब हम सब एक होता है। माई फादर हैज सेंट मी टू प्रीच, मेरा पिता मेरे को भेजा है प्रचार करने के लिए। माई गॉड, ये बराबर का चीज है। इसलिए मेरा प्यारा बहनों,
प्रचार करने के लिए किसी को भी अधिकार नहीं है। कोई भी अभी वर्ल्ड वाइड जाके प्रचार करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसलिए हम यूट्यूब पे आके सबको ये बताते हैं ये सब प्रचार सब है बकवास है, मगर ये जो है प्रचार जो है पिता भेजना चाहिए। पिता अभी क्यों, अभी हम लोग पिता भेजने का योग्य है? हमारे अंदर बहुत गंदगी है, हमारे अंदर बहुत नाच नखारी का चीज है, हम हमारे अंदर बहुत घमंड है, हम दूसरे को देखते हुए दूसरे को पत्थर मारता है हम लोगों, ये सब स्वभाव अच्छा नहीं है। मगर गिरफ्तार भाई कब ये सब स्वभाव हमारे जीवन से निकलता है और हम प्रभु के लिए शुद्ध बन रहे हैं। सैंक्टिफिकेशन आपको मालूम है, अब्राहम को प्रभु बुलाने से अब्राहम अब्राहम को वादा मिला, बराबर सुन, अब्राहम को बुलाने से अब्राहम के साथ प्रभु कभी भी नहीं आया, बुलाया खाली वैसे बुलाया, जैसे भाई ब्रैनम आके बुलाया, समझ लेना भाई ब्रैनम आके बुलाया, ऐसे प्रभु आदम को अब्राहम को भी बुलाया, भाई ब्रैनम भी आके एक ही हिसाब है प्रभु गिरफ्तार भाई ब्रैनम को द्वारा मेरे को आपको बुलाया, डिनोमिनेशन में मर रहा था हम लोग, वह संस्था में हम मर रहा था, हमको कुछ भी मालूम नहीं था, हमको यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा मालूम नहीं था, हमको ये सब बाइबल का लिखा हुआ वेद हमको मालूम नहीं था, सर्पेंट सर्प के बीज मालूम नहीं था, वह सर्प के बीज एक महान बहुत बड़ा रेवलेशन नहीं है, वैसे बहुत बड़ा रेवलेशन है लिखा हुआ किताब से जो हटे वो महान रेवलेशन है, एक किताब का लिखा हुआ किताब के अंदर लिखा हुआ वेद महान रेवलेशन नहीं है, वो छोटा रेवलेशन है जो लिखा है उसको भेद को ब्रदर ब्रैनम ने बता दिया, मगर ना लिखा हुआ भेद अलग है, वो सबसे बड़ा रेवलेशन है, सबसे महान रेवलेशन है, वो भाई ब्रैनम नहीं बताया, उसके लिए अलग नबी आना पड़ा और उन्हीं के द्वारा वो भेद को प्रभु ने हमको बता दिया। प्रभु का नाम तो धन्य, वो जो है संवेदनशील है, वैसे वो संवेदनशील के नीचे ढाला गया, वैसे ना लिखा हुआ भेद का किताब संवेदनशील के नीचे ढाला गया, बैक साइड ऑफ द बुक, छठवा मोहरा तक पूरा लिखा गया और सातवा मोहरा अलग परमेश्वर के नाम धन्यवाद। ये मेरे आप लोग को पढ़ना चाहता हूं ऑलराइट वैसे जैसा पिता ने भेजा बेटा को बेटा के अंदर और एक हो गया वो लोग, हाँ अगर मैंने वो कामों को नहीं किया अगर मेरा पिता का काम नहीं किया मेरा तो विश्वास मत करो, हाँ वैसे ऑल राइट है ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। और बिट पॉल क्या बोला इन द लास्ट डेज, आखिरी दिन में बहुत लोग वैसे आत्मिक जैसे दिखता है मगर सामर्थ्य को लोग इनकार करता है, वैसे ऑल राइट है अभी नाउ कमिंग इज इमिनेंट द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस उसका दूसरा आगमन में भी वो अपना चुने हुए को एकत्र करेगा। आई बिलीव दैट दे विल कम फ्रॉम द ईस्ट एंड द वेस्ट, वो पूर्व और पश्चिम से वो लोग आएगा, वेयर द कार्कसेस इज जिधर थाटा मास है उधर भूखा भी इकट्ठा होगा। भाई ब्रैनम इधर बोलते हैं कार्कसेस इज द सेकंड कमिंग ऑफ द लॉर्ड, जिधर कार्कसेस है ताजा मास है माय फ्रेंड, जो हम लोग विश्वास कर रहे हैं जो मैसेज के पास हम खड़े हैं वो कार्कसेस है, वो ताजा मास है और हम मुखाब लोग उसको खाने के लिए, हम मुखाब है, हम इलेक्टेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम प्रभु चुने हुए, हम बच्चे लोग हम सबको प्रेम करना, हम किसी को ऊपर निंदा ना करना। फ्रेंड सच्चा क्रिश्चियन भी प्रेम में रहता है, नफरत में नहीं, नफरत में नहीं, हम सबको क्षमा देना चाहिए। वैस इतना बड़ा ठन का उधर नफरत को रखते हो क्योंकि मेरे पास नफरत आते हैं, जिसको प्रकाशन नहीं है वो नफरत करते हैं, जिसको सच्चा प्रकाशन है, जिसको सच्चा प्रकाशन है उसको सच्चा प्रेम है, वो किसी को भी नफरत नहीं करता है, वैसे वो किसी को भी नफरत नहीं करता है, उसका अंदर प्रेम रहता है, वैसे अपना खुद का प्रेम नहीं है प्रभु का प्रेम है, क्या नहीं से ऑलरेडी ओ भाई ब्रैनम चिल्लाता है इधर, ओ माय He's got his oneness. अगर आप उकाब का अगर अगर उकाब लोग सब इकट्ठा होते वो ताजा मांस को खाते हैं उधर ये होता है वो लोग, वैसे his true oneness showing himself among us हमारे बीच में दिखाता है, वैसे all right now the coming of the Lord is imminent, प्रभु का आगमन बहुत जल्दी है, he's calling his elect अपना चुने हुए को बुलाता है, वैसे with the same kind of ministry he had वही सेवक है, you know how high shape of the church ages काफी चीजों को हम लोग आज देखा, वैसे गिरफ्तार भाई ब्रैनम के द्वारा हमको बुलाया,
Yes, बुलाया अब्राहम को, बुलाया अब्राहम को बुलाने से घर बैर फिर बहनों आप प्रभु मगर उनके पास उनके साथ नहीं आगे वादा नहीं किया वाचा करने की क्योंकि बुलाया और बुलाने के बाद वैस परमेश्वर क्या बोला सैंक्टिफिकेशन कैसे बोला सबका सबको छोड़ो तुम वही अलग हो जाओ सेपरेशन वो सेपरेशन जो है सारा अविश्वास से अलग होना सब अविश्वास से अलग होना उसको बोलते हैं टोटल सेपरेशन फ्रॉम ऑल द अनबिलीफ सब टोटल सेपरेशन पूरा तरीके से अविश्वास से अलग होना वैसे तब तक वो लोट के साथ था लोट उसके खजिन ब्रदर था सब तब तक वो लोट के साथ था प्रभु कभी भी उसके साथ आके अपना संपर्क नहीं किया वैसे देखिए वही वही पैटर्न वही चीज हमको भी है वो बाइब्रम बोलते हैं वो परफेक्टली नोटिस परफेक्टली अब्राहम एंड सीड ऑफरिंग एंड आई एम गोइंग टू फॉलो द जंक्शन ऑफ द अब्राहम्स लाइफ अब्राहम के जीवन को मैं बताना चाहता हूँ कि बाइब्रम बोलते हैं अब्राहम को एक ही रास्ते है बचने के बराबर सुनो अब्राहम को एक ही रास्ते है वो बचने के लिए वो अब्राहम के साथ वाचा बनना चाहिए अब्राहम के साथ वाचा बांधना चाहिए मगर बाइबल बोलते हैं बीइंग इन क्राइस्ट हम लोग मसीह में होने से हम लोग मरता है और अब्राहम का बीज और अब्राहम का जो अब्राहम के जैसे हम लोग वो बीज भी हो जाएगा मसीह जो है अब्राहम का एक रॉयल सीड बहुत बड़ा उत्तम रूप का एक बीज आउट ऑफ अब्राहम कम ईसा अब्राहम से ईसा आया ईसा से जैकब आ गया जैकब से जोसेफ और जोसेफ ऐसा हम लोग डेविड ऐसा हम देखते हैं कि आखिरी तक मसीह आ गया क्राइस्ट and Christ made Abraham the father of all the nation all right Abraham abhi prabhu ka awaaz ko suna aur unko vishwas kiya aur isliye wo nitman ban gaya oh yes tab hum parameshwar ka awaaz ko sunte hain humko maloom hai by branham ke dwara shout jo hai by branham ke dwara shout aa gaya hum log usko suna हम लोग आज्ञाकारी बन गए हमारा गलत से हमारा सब चीजों से हम आगे क्योंकि हम अब्राहम का रॉयल सीड मसीह वही पैटर्न अलग पैटर्न नहीं वैस मैं बाइबल से प्रूव करना चाहता हूं और मेरा प्यारा बाइबल दे दू जैसा हाँ अन्य जात से ब्रदर अन्य जात से अब्राहम को परमेश्वर पहला उतर के अन्य जात को यहूदी लोगों के लिए नहीं अन्य जाति को उधर क्या है वैसे यहूदी लोग बाद में बन गया जैकब के बाद जैकब को इसराइल करके नाम हो गया उसका बाद यहूदी लोग को आ गए और उसका पहले नहीं और यहूदी लोगों को यहूदी लोगों का भी पूरा छठ तेजस हो गया आखिरी छठ तेजस में यीशु मसीह आके वो वहां के यहूदी लोगों के बीच में से दुल्हन को बना दिया वैसे और कनेक्ट कर दिया अंतिम दिन अन्य जाति का ब्रेड के साथ वैसे और ये तो ब्रेड हो गया वैसे मगर मैं बोलना चाहता हूं उससे भी बढ़कर जो यहूदी लोगों का जो ब्रेड है पहला सेंचुरी में उससे भी बढ़कर अन्य जात का जो दुल्हन है वो बहुत काम करेगी क्योंकि ये टोटल डिलीवरेंस है संपूर्ण रूप का डिलीवरेंस है टोटल बॉडी चेंज है वो लोग का बॉडी चेंज नहीं है वो लोग का बॉडी खबर में है मगर अंतिम दिन का मेरा प्यारा भाई बहनों जैसा अब्राहम का बॉडी चेंज हो गया वैसे बराबर सुनो अब्राहम का बॉडी चेंज हो गया वैसे दुल्हन का बॉडी भी चेंज हो जाएगा पहला सेंचुरी का यहूदी लोगों का शरीर चेंज नहीं हो गया वो बिना चेंज होते कब्र में गया मगर बराबर सुनिए इस अंतिम दिन का अब्राहम का असली असली दुल्हन असली बच्चे लोग असली बीज वी देम ऑफ लॉर्ड वही काम इधर भी हो गया प्रभु का आवाज सुन के उनका शरीर बदल हो गया ट्विंकलिंग ऑफ एन आई आंखें बंद करके खुलासे करने से वो लोग शरीर बदल हो गया कैन यू से आमेन माय गॉड क्या गॉस्पेल है ये ओ यस ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड हां फ्रेंड्स जितना बड़ा सेलिब्रेशन है मालूम है ओ यस ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड ओ यस Now, as soon as Abraham justification, immediately our total separation unbelief. That is the way he done you. आपको भी वही करता है. सब चीजों से सब एसोसिएशन से आपको बाहर लेकर आता है. वैसे कमाल था डांस और सब कुछ से. वैसे और क्या जैसा डाला बाय बिल्डिंग ब्यूटीफुल डांस.
Abraham was called by grace. By election. All right. Why yes, blessed be the name of the Lord. मेरा प्यार पर अब्राहम को कृपा से और दया से परमेश्वर बुलाए वही से दया से बुलाए कृपा से बुलाए वही से और मेरा प्यार भाई बहन जैसा अब्राहम को बुलाया सब अविश्वास से उसको अलग बना दिया सभी लोगों से आखिर में मेरा प्यार उनका एक कजिन ब्रदर था लोट था वो उनका अंक पूरा सोदोम में था सोदोम गोमरा का खराब था सोदोम गोमरा को चुना वो प्रभु को नहीं चुना प्रभु को उपस्थिति को नहीं चुना प्रभु का प्रकाशन को नहीं चुना वैसे वो उनका अंक जो नाश होने वाला दुनिया में आज लोग भी ऐसे नाश होने वाला दुनिया में अपना अंक ऊपर रखा है वैसे ब्रश भी तो नहीं मतलब मगर अब्राहम का अंक ऊपर था अब्राहम का अंक ऊपर था वो ऊपर का शेर के लिए इंतजार करता था सच्चा दुबन सच्चा ब्रेड सच्चा अब्राहम का बीज उसका भी अंक ऊपर रहता है वैसे ऊपर का जेरूशलेम की तरफ उसका भी अंक रहता है Blessed be the name of the Lord. Why yes, sir? Why yes, sir? Salvation जबरदस्त है क्योंकि अब्राहम का विषय भी चेंज हो गया और अंतिम दिन में अब्राहम का बीच का विषय भी चेंज हो गया कितना ब्यूटीफुल है कितना ब्यूटीफुल है Why yes, sir? कोई किसी का भी पहला सेंचुरी का जो चेयर जो अपोस्टल लोगों का शरीर चेंज है वो लोग शरीर के द्वारा कब्र में गए Can you say amen? All right. अभी now notice. अभी इधर देखिए चर्च एजर्स में वही सच्चे जस्ट क्योंकि अंधेरे में हमको अंधेरे से बुलाया प्रभु हमको अंधेरे से उजाला को बुलाया प्रभु वही जैसे अब्राहम को भी अंधेरे से उजाला को बुलाया क्या नहीं उसे मैंने अंधेरे से उजाला को बुलाया अब बुलाने के समय में वो नीतिमान बन गया नीतिमान का बाद उनको पवित्र कर दिया और उसका बाकी प्रभु उसका आशा खड़ा हो क्या नहीं उसे मैंने माई गॉड ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड कब तक आपके साथ अविश्वास का संपर्क रहता है अविश्वास का रिलेशनशिप रहता है परमेश्वर आपका जीवन में काम नहीं कर सकता है वैसे तब तक आपके जीवन में ये सब बात रहता है इस अविश्वास का लोग अविश्वास का ये आपको नीचे गिराने वाला कुछ सोल प्राण आपका मेरा धन बैर बेन कितना गंदगी का दुनिया है ये बताइए मैं किसी को भी दोषित नहीं कह रहे थे बहुत बेकार का जमाना है अभी झूठ नहीं बोला सही बोला वो वैस भाई ब्रानम सही बोला भाई ब्रानम क्या बोला आखिरी के दिन में लोग सेक्स को अपना प्रॉब्लम है वो सच्चे वो बात किसी का भी जीवन में हो अगर वो उनके जीवन में सेक्स उसको बहुत बढ़िया है वैसे इसीलिए सेक्स के लिए मरना चाहिए फ्रेंड सेक्स ये कैसी बात है आपका पूरा बॉर्न अगेन का और आपका सब कुछ को निखर के रखता है इसलिए सेक्स में गिरने वाला मेरा प्यारा मेरा कोई भी हो ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड वैसे और इसलिए मेरा प्यारा भाई बहनों मैं बोलना चाहता हूं टोटल हम सबसे बाहर आना चाहिए टोटल तभी परमेश्वर का पावर आपके पास आता है yes. आपको कोई भी हिला नहीं सकता वैसे अगर आप पाप में है सब लोग हिलाएगा सब लोग आपको ऊपर पत्थर मारेगा मगर आप पाप में नहीं है सही में आप खड़े रहते हैं वैसे सही में आप आपके डिलीवरेंस होता है वैसे आपको नफरत होना चाहिए ऐसे पाप के ऊपर नफरत होना चाहिए आपको क्योंकि जो पाप आपके जीवन को बर्बाद करने वाला ऐसे पाप को आप नफरत करना चाहिए हाँ परमेश्वर का नाम धन्यवाद और इसीलिए मेरा प्यार बैर बेनो हमारा सर्विस मेरा प्यार बैर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ मैं एक बहुत बड़ा दूध का जैसे इधर प्रचार ये मैसेज हमको फायर करता है ये मैसेज हमको फायर करता है ये मैसेज हमको फायर करता है ये मैसेज हमारे जीवन में फायर है ये मैसेज हमको फायर बनाता है फ्रेंड वैस मैं किसी को भी दोषित नहीं कह रहा तो मैं खुद अपने आप को दोषित है प्रभु के सामने दिखाता है क्योंकि ये मैसेज हमको चाहिए ये मैसेज हमारे जीवन में काम करना कोई व्यक्ति का काम नहीं कोई व्यक्ति का बात नहीं है हमको ये मैसेज हमारे जीवन में काम करना ये मैसेज पावरफुल है और यस ये मैसेज हमको अलग बनाता है ये मैसेज हमको अलग मनुष्य बनाता है हम किसके ऊपर भी क्योंकि मेरे घर में जो लोग मेरे घर कोई मैं भी हो कोई भी हो जो लोग ऐसे काम करेंगे दुनिया हमको देखता है हम दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन के रहने का क्या न्यूज से मैं
हाँ कब हमको मालूम है ऐसे चीजों से हम हमारे जीवन के लिए नष्ट होते हैं, ऐसे जीवन ऐसी चीजों को लात मार के निकाल दे देगा, क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष करेगा। कोई किसी का खुशी के लिए नहीं है, अपना जीवन के लिए, अपना रक्षण के लिए, अपना सेल्वेशन के लिए। क्या नहीं उससे कभी भी लोग क्या बोलते मालूम है, अरे मेरे को क्यों बोलते हो, उनका क्या जीवन है, हमको वो नहीं चाहिए। आप उनका क्या देखो, हमको क्यों बोलते हो ये लोग, हम हमारे बारे में, क्योंकि प्रभु हम आपको प्यार करता है। वैसे इससे आपका प्यार है, कितना भी लोग आपको छोड़ के जाने दो, कितना भी लोग आपका विरोध आने, आप चिंता मत करो, आपको प्रभु प्यार किया, आपके जीवन को प्रभु शुद्ध करने को देखता है, आपके आपके जिंदगी से आपके जीवन से प्रभु गंदगी को निकालने को देखता है। क्या न्यूज से प्रोसेस हमारे जीवन में होना चाहिए, ये सच्चा प्रोसेस है, ये सच्चा क्रिश्चियनिटी का शुरुआत है फ्रेंड। वैसे हाँ वैसे ये मत सोचो सब लोग मेरे को निंदा कर रहे, करने दो, सब लोग मेरे ऊपर पत्थर ढुंगा मारने दो, मगर परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं। परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं, वैसे आपको मालूम है परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं, परमेश्वर मेरे को प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं, क्योंकि आप कभी भी सच्चा खुलासा, सच्चा एक्सपोजिशन, सच्चा आपके जीवन में आप प्रभु आपको ये करते हैं, सचमुच में आपके जीवन को प्रभु प्रेम करते हैं। मगर मेरा प्यार भाई बहन, हम लोग कभी भी किसी को भी खुद भी हो, ये प्रोसेस है, समय है हमारा शुद्ध होना, पवित्रता होना। रूस को छोड़ दो, रूस का जैसा नालायक आदमी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। रूस किसका उद्धार के लिए, रक्षण के लिए अपना खुलासा नहीं करते, रूस किसको नाश करने के लिए अपना खुलासा करते हैं। क्या न्यूज से मैं, और एक बात है, हम किसी को भी ठोकर बन के ना लेना, ये मैसेज को कोई भी सुने, किसको भी ठोकर नहीं है मेरे से, अगर किसी को ठोकर है उसके साथ प्रेम करते हुए, उसके साथ समझौता करते हुए और जिंदगी में उसको ठोकर कर नहीं समझ रहे हो, क्योंकि आप और वो दोनों भी ठोकर को खोएगा। हाँ आप और मेरे को ठोकर मिलने गए, हम किसी का भी ठोकर बन के नहीं रह देता, हम ठोकर के लिए तैयार होकर रह देते हैं। हाउ मेनी से अमेन। और यस ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। मेरे को बहुत खुशी लगता है ये मैसेज को, मेरा प्यारा भाई बहनों, हाँ बहुत कुछ होने के बाद भी आदमी मनुष्य नहीं सुधरेगा, प्रभु उसको छोड़ देगा, मगर बहुत कुछ होने के बाद भी वो आदमी सुधरता है, वो परमेश्वर के लिए बना रहता है, परमेश्वर के लिए रोता है, दिन ना रात रोता है, जो भी उसके जीवन में होने को मिलता है, पर बैठ बहनों प्रभु उस व्यक्ति को कभी, क्योंकि प्रभु के लिए वो नजीक है। वैसे नहीं तो मैं प्रचार कर सक रही, वैसे मैं तो प्रचार नहीं कर सके, बहुत लोग सोचेगा व्हाट्सएप फिनिश है, नहीं नहीं नहीं, प्रभु मेरे को प्रेम कर रहे, क्योंकि प्रभु का प्रेम मेरे लिए काफी है, मैं किसका भी प्रेम के लिए नहीं है, प्रभु का प्रेम के लिए। वैसे सर मेरा प्यार प्यार बहनों, कोई किसी के लिए डर मत, कोई किसी के लिए शर्म मत हो, जन जो भी है प्रभु करता है उसके लिए लेबर स्वीकार करो, प्रभु के लिए खड़ा रहो, प्रभु आपको छला के लेकर जाएगा। इसलिए मेरे प्यारा भाई बहनों, परमेश्वर का ये महान चीज, इसलिए अब्राहम को भी इधर हम अब्राहम के बारे में देख सकते हैं, वैसे अब्राहम के बारे में देख सकते हैं कैसा अब्राहम को ये वैसे कैसा परमेश्वर ने प्रेम किया, हमको भी भाई ब्रैनम के द्वारा प्रभु बुलाया, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन, बैप्टिज्म ऑफ द होली घोस्ट। हाँ ऐसे ही प्रभु काली टेलीविजन देखने से आपके जीवन में आप शुद्धता करके नहीं बोल सकते, टोटल सेपरेशन फ्रॉम द अनबिलीव, अविश्वास से टोटल संपूर्ण रूप से अविश्वास से अलग होना, वैसे अविश्वास का चीजों से अलग होना, वैसे कुछ भी हो, वैसे किसको भी दोषित मत ठहराना, अपने आप को देखना, अपने आप को प्रभु के सामने लाके रखना, इस वचन के लिए मैं लाइके क्या करके देखना, इस रेवलेशन के लिए मेरे जीवन लाइके करके देखना, रोना छाती में मारो और रो, प्रभु मेरे को छोड़ो मत करके, बिल्कुल प्रभु छोड़ेंगे नहीं। वैसे परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। मनुष्य पुत्र का प्रकाशन शुरू होता है, इधर देखिए अब्राहम का, वैसे अब्राहम का देह, अब्राहम की इधर देह देखिए,
Oh yes, sir. He heard the voice of God, Abraham. Oh yes, परमेश्वर का आवाज को सुना. Oh yes, आज उनका बच्चलों भी, आज उनका बीज भी परमेश्वर का आवाज को सुन रहे. Oh yes, sir. और विश्वास कर रहे. Oh yes, sir. Oh yes, परमेश्वर का आवाज को सुन रहे. Voice, आवाज बोलेगा तो voice, शौंक अलगे, ललकार अलगे, आवाज अलगे. Oh yes, sir. बाद में वो परमेश्वर का आवाज को सुनने को शुरू हो गया. और सुनने से मेरा प्यारा भाई बहनों आज्ञाकारी बन गया. वैसे सुनने से वो आज्ञाकारी बन गया. हर दवाई सब पढ़ी ने बाल एवरीवेयर इट वाज बिलीव्ड गॉड. अब्राहम वाज कमेंडेड टू अब्स्टेन एंड टू वो अपना आप को सेपरेट होने के लिए शुरू किया. वैसे फुल्ली ओबेड. वैसे ऑलराइट. ऐसे हम लोग भी होना. और मेरा प्यारा भाई बहनों इधर देखिए. नाउ व्हाट इज दैट? The shedding of the blood, the first one Abraham's seed in the church ages. Abraham's seed in the church ages. Barabar dekho. The shedding of the blood. Now, what was it? Kya hai wo? Shedding of the blood. Khoon ko bahana. Shedding of the blood bolenge to khoon ko bahana. Yes. Abraham's seed in the church ages. Church ages mein Abraham's seed. Amen. Oh yes, sir. Church ages mein Abraham's seed. Yes, sir. Abraham's seed thi. Kidhar se shuru ho gaya? Church ages se. Can you say amen? Abraham का बीज चर्चे जैसे शुरू हो गया. तभी पेंटेकोस्ट, पहला पेंटेकोस्ट निकल गया. पहला पेंटेकोस्ट गिर गया नाउ स्पेस काउंसिल में. बाद में चर्चे जैसे शुरू हो गया. कलीसिया के युग शुरू हो गए. और ये कलीसिया के युग शुरू होने से मेरा प्यारा भाई और बहनों, कलीसिया के युग शुरू होने से अब्राहम का बीज उधर भी है. वयस वयस बिलीव ऑलरेडी. हां Abraham said, do you believe the church here started after Pentecost? When Pentecost ka baad hi kalisha ke yug shuru hote. Oh yes. Pentecost ka baad hi kalisha ke yug shuru ho gaya. Aur kalisha ke yug ka baad hi wapas Pentecost shuru hota hai. Can you say amen? Tum humar se likhe hai Pentecost jab ghar bair gaye Pentecost shuru hone ke liye yahudi logo ka kalisha ke yug ant ho gaya. Yahudi logo ka kalisha ke yug ant hone ke baad Pentecost shuru ho gaya. Pehla century ka Pentecost. और पहला सेंचुरी का पेंटेकोस्ट शुरू होने के बाद और खत्म होने के बाद चर्च एजेस शुरू हो गया. अभी चर्च एजेस खत्म होने के बाद वैस जनता अन्य जात का कलीसिया खत्म होने के बाद वापस पेंटेकोस्ट आने वाला है. क्या यू से वापस पेंटेकोस्ट? वैस मान सम्मान परमेश्वर के नाम को धन्यवाद. प्रभु के नाम को धन्यवाद. वापस पेंटेकोस्ट आए. कितना खुशी आपको. बहुत सारा बहुत एक समय में मैं भी सोच रहा था वो पेंटेकोस्ट में मैं भी होता तो पीटर जेम्स जॉन के जैसा मैं भी बहुत बड़ा अद्भुत करता. मगर इससे भी ज्यादा, उससे भी बढ़िया, उससे भी जबरदस्त, उससे भी महान तरीका का चीज हम करेंगे. इसलिए मैं ये सब अब्राहम का और अब्राहम के बीच का ये चीजों को मैं टाइप करता है सन ऑफ मैन एंड हिज एंजल्स मैसेज के साथ. वॉयस सन ऑफ मैन एंड हिज एंजल्स और अब्राहम का वॉयस बहुत इंटरेस्टेड है क्योंकि ये रेवलेशन साइड बाय साइड. क्योंकि एक जगह पर सब्जेक्ट, एक जगह पर रेवलेशन, एक जगह पर सब्जेक्ट. वॉयस हम सब्जेक्ट के साथ क्योंकि सर लोगों को समझना चाहिए. मैसेज को आप लोग ऐसा पढ़ने से आपको समझेगा नहीं. उसको उसको एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा बाइबल से और एक टुकड़ा पायलामर के मैसेज से. एक टुकड़ा इधर से लेना. वैसे अब हम कैसा ब्रेड को जाम डाल के और ऑमलेट डाल के खाते हैं वैसा. इसको एक टुकड़ा इधर से ले, एक टुकड़ा इधर से ले और एक टुकड़े जाओ जो साथ में मिलकर आप खाओ आपको स्वाद लगेगा. हम इन से साथ में मिलकर खाने से आपको स्वाद लगेगा. परमेश्वर का नाम धन्यवाद है. Do you believe that first round there of Jews, Yehudi log ka pehla round mein, and do you believe that the first reformers, reformation was called out church for the rapture was Lutheran group, called out church, bole bulaya gaya church, barabar chodo, ye beautiful revelation hai, ye matlab pehla bulaya gaya, to was called out, bulaya gaya church, pehla jo church hai, pehla bulaya gaya, dekhiye, ye Gentile mein. ये अंधकार में, ये सॉरी अंधकार में जंटाइल चर्च पहला बुला गया लूथर के समय. वैसे लूथर का समय कॉल्ड आउट डू डू श्योर प्रीचर द फुल जस्ट शैल लिव बाय फेथ. विश्वास विश्वास के द्वारा जस्ट शैल लिव बाय फेथ. जस्ट शैल लिव बाय फेथ. वैसे नीतिमान विश्वास के द्वारा जिएगा. नीतिमान विश्वास के द्वारा. मेरा प्यारा भाई बहनों
ध्यान से सुनिए, इधर कलीसिया को कभी बुलाया गया है लूथर के समय में, जस्ट शैल लिव बाय फेथ जस्टिफिकेशन ऑल राइट He refused the communion of being the literal body of Christ and throwed it on the floor. That young priest Martin Luther and preached the just shall live by faith. John Wesley John Wesley preached the sanctification, Pavitrata, John Wesley. Why is it? The second definite work of the go, wo krupa ka ek dusra kaam hai. Krupa ka pehla kaam jo hai, aapko agar krupa mila, barabar suno, aapko agar krupa mila, prabhu ne aapko krupa diya. अभी भी कृपा दे सकते हैं, अभी भी प्रभु का कृपा पुत्री के ऊपर है। कोई किसी का बात मत सुनो, कोई किसी का ये भक्त बकवास को मत सुनो। हमको अभी वचन देखने के, वर्ड ऑफ गॉड देखने के, मनुष्य को नहीं। मैंने कभी मत देखू और मेरे साथ कोई भी आने का भी जरूरत नहीं है, मगर मैं वर्ड के साथ कनेक्टेड है। वैसे एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर कोई किसी भी बात मत सुनो, आपके जस्टिफिकेशन होता है, तब आप प्रभु का आवाज सुन के आप सबको छोड़ के अब आते हो, वो जस्टिफिकेशन। और जस्टिफिकेशन के बाद आपका काम पूरा नहीं हो गया। जस्टिफिकेशन के बाद आपको पवित्रता होने का, कैसा पवित्रता होने का, ये वचन, ये रेवलेशन आपके अंदर होने से आप आज्ञाकारी बनते हो। आप आज्ञाकारी बनने से वो चीज आपके जीवन में काम करते हैं और पवित्रता में आते हैं। ये परमेश्वर की कृपा का दूसरा स्टेज है। परमेश्वर की कृपा आपको मिला करके इसी से मालूम पड़ता है। ऑल राइट, उसको बोलते हैं सैंक्टिफिकेशन। ऑल राइट, Blessed be the name of the Lord. Why, yes, sir? Second definite, separating himself from the thing, when the real genuine church of Jesus Christ, kabhi sachcha parameshwar ka kalishya aata hai, aur meet at the resurrection, punartan sthan mein, that same spirit, jo atma, masih mein tha, wo aap, to have dovetail with that same covenant, jo atma masih mein tha, और उसको उठाया, वो आत्मा डाउटे एक ही जैसा होना चाहिए, वो वाचा के नीचे आई डोंट केयर। मैंने किस को बाइबल नाम का, आई डोंट केयर व्हाट टेल विद द मेथोडिस्ट बैप्टिस्ट पेंटेकोस्ट व्हाटएवर यू गॉट, कोई भी हो तुम, मैं क्या नहीं करता है। वेस इफ द स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट इज इन यू, अगर मसीह का जो आत्मा आपके अंदर है, देन यू आर नॉट अ सॉरी मसीह का आत्मा आपके अंदर नहीं हो, आप अब्राहम के बीज नहीं है, और आपका आप कॉमन के वाचक के लिए नहीं है। वही है सर, क्रॉस दैट वेयर ही रोट द कॉमन, आमीन। क्योंकि कौन से कॉमन को लिखा, कौन के द्वारा, कौन से लिखा वो कॉमन वाचक को। इफ यू डिफरेंट विद इट, अगर आप अलग है, देन द स्पिरिट अपॉन द क्राइस्ट इज ऑन द चर्च। अगर मसीह का वो अंदर था, वो आत्मा कलीसिया का ऊपर है, ऐसा वचन बोलते हैं, थोड़ा समय के लिए दुनिया में देखो नहीं देखेगा, मगर आप देखेगा, क्योंकि मैं आपके साथ में हूँ, आपके अंदर में हूँ। That is the spirit of God. That is the baptism of the Holy Spirit. Why is personal approach? I will be with you and even in you. And the works that I shall do, जो काम मैंने करता है, the works that I shall do, you shall also do. जो काम मैंने करता है, आप भी करेंगे। Why is it? These things shall follow them that be. ये चिन्ह सब आपका पीछे आ जाएगा। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। ये क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, जैसा परमेश्वर ने मेरा घर बैल बैठे लो, जैसा परमेश्वर ने वैसे ये सब मैसेज आपको लाभदायक है, जैसा परमेश्वर ने इस अंतिम दिन में ये वैसे जनखाए अन्य जाति का, क्योंकि ये कॉवेनेंट ब्रेड है, वैसे अन्य जाति का दुल्हन है, कॉवेनेंट ब्रेड। वैसे परमेश्वर के नाम को धन्यवाद, और मेरा घर बैल बैठे लो। काफी बातों को हम कल देखेंगे, कैसा वो अब्राहम के बीच मेरा, इसलिए मैं ऐसा बोला, जैसा हम लोग देखता है कि एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर वचन से, एक टुकड़ा बाय ब्लामर का मैसेज से, क्योंकि सब डाउटेड होता है। और परमेश्वर आई आप लोग सब उठिए, वैसे हम देखता है कि इसमें कंटिन्यूएशन है, हम कल देखेंगे। परमेश्वर आपको धन्यवाद दे, ये छोटी सी संदेश देने का मौका दिया। प्रभु इस संदेश के द्वारा हमको सचमुच में हमको खुशी लगता है, आपने हमको चेतावनी दिया और हमको चलाया। प्रभु जो भी इस ऑनलाइन में सुनता है और MP3 के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा देखता है, उसको आशीष कर। छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से सुनकर कबूल कर, आमीन। लेट अस सिंग ए सॉन्ग, लास्ट सॉन्ग, टिल वी मीट, टिल वी मीट, टिल वी मीट Jesus King, till we meet, till we meet, God be with you.
bless you.